उत्तरकाशी की सिलक्यारा में टनल हादसे को 60 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी सुरंग के अंदर फंसे 40 श्रमिकों की जिंदगी की डोर इसी रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर टिकी हुई है। हालांकि सभी मजदूर अभी तक सकुशल हैं और उन तक खाना पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है, लेकिन टनल में बार बार गिर रहे मलबे की वजह से रेस्क्यू टीम के प्लान कई बार अटक चुके हैं। टनल में बोरिंग के लिए लाई गई मशीन का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी सिर्फ बेस ही बनाया गया है और आगे का काम शुरू होगा। दरअसल मशीन लगाने के दौरान भी कई बार मलबा गिरा और काम रुका। इस बीच काम कर रहे एक मजदूर के जख्मी होने की भी खबर है। परवाहियां सामने आ रही हैं। पहला ये कि इस टनल में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था और लगातार टनल खोदी जा रही थी। बिना लाइनिंग के टनल खोदना अपने आप में भारी जोखिम भरा काम होता है। इसके साथ ही टनल के साथ साथ सेफ्टी डक्ट डाली जाती है, लेकिन इस टनल में कहीं भी सेफ्टी डक्ट नहीं डाली गई थी। सेफ्टी डक्ट डाली होती तो आज जो मजदूर टनल के दूसरे हिस्से में फंसे हुए हैं, उनको इस सेफ्टी डक्ट के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। आज जो ह्यूम पाइप यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, जो बोरिंग मशीन यहाँ पर बोरिंग कर रही है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती यदि पहले से ही सेफ्टी डक्ट सुरक्षा मानक इस टनल पर अपनाए गए होते। वहीं प्रशासन की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है और प्लान बी पर काम जारी है। तमाम रेस्क्यू टीम्स लगातार काम भी कर रही हैं। जी, एस्केप टनल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी, उसके लिए एक बड़े डायमीटर का पाइप और ऑगर मशीन नदी लाया गया था, उसको इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूर्ण हो गया है। तो वो एस्केप टनल का काम शुरू किया जाएगा और आगे की जानकारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे तभी दे पाएंगे। आपको बताते हैं कि आखिर उत्तरकाशी की वो सुरंग जो प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग होने का खिताब हासिल करने वाली थी, उसमें आखिर ऐसा हादसा कैसे हुआ और क्या वजह है कि 40 जिंदगियां मौत की कगार पर खड़ी हैं। टनल की एंट्री से लेकर हादसे के वक्त तक करीब 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदने का काम पूरा हो चुका था। हालांकि इस पूरे 2.5 किलोमीटर में अलग अलग हिस्से में अलग अलग लेवल तक का काम पहुंचा था। सुरंग में शुरुआत के 50 मीटर तक पूरी जगह सीमेंटेड और पक्की जगह है, यानी इसे तैयार कहा जा सकता है। इसके आगे का 60 मीटर का हिस्सा कच्चा है और इस पर अभी काम होना बाकी था, यानी कि सुरंग को पक्का करने का काम बस अभी शुरू ही हुआ था। इसके अलग 200 मीटर हाफ बिल्ट टनल है और इसके बिल्कुल बाद ही जो कच्चा हिस्सा है, वहीं पर 3 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। निर्माण के दौरान इसे मामूली चीज मानकर नजरअंदाज किया गया और शायद यहीं से हादसे की शुरुआत हुई। और इसी हिस्से में अचानक मलबा गिरा और दूसरी तरफ काम कर रहे 40 मजदूर सुरंग में ही फंस गए। वहीं सबसे अहम बात ये है कि ह्यूम पाइप सुरंग निर्माण के शुरुआती दौर में लग जाना चाहिए था, वो 2.5 किलोमीटर का हिस्सा बनने तक भी इंस्टॉल नहीं किए गए थे। हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है, जिसके कारण टनल के बाद, टनल तो काफी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहां चीजें कोलैप्स की हुई है। जैसा बताया गया वहां पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी क्योंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहां पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना, दो तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, तीन तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। दरअसल टनल निर्माण का काम NHIDCL को सौंपा गया था। NHIDCL के MD का दफ्तर दिल्ली में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप सुधेरा देहरादून से काम करते हैं। GM दीपक पाटिल, जिनकी देखरेख में ये काम चल रहा था, वो 10 दिन पहले ही डेपुटेशन खत्म होने के बाद रिलीव हो चुके हैं। अब ये काम मैनेजर के जिम्मे था। वहीं NHIDCL के नीचे दो कंपनियां नवयुगा कंपनी और गजा कंपनी टनल निर्माण का काम करती हैं। दुर्घटना वाली साइट पर
तक 2.6 किलोमीटर टनल निर्माण का काम नवयुगा कंपनी के पास था। नवयुगा कंपनी की तरफ से इस काम की देखरेख जीएम नागेंद्र प्रसाद और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर राजा राव के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश पवार के पास था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सेफ्टी मेजर्स को काम शुरू होते ही इंस्टॉल नहीं किया गया था। देखिए, ये तो हम टेक्निकल टीम भी हमारी आई है देहरादून से, बाड़िया हमारे LMC और CBRI वगैरह से टेक्निकल टीम आई है, वो देखेगी उसमें क्या इश्यूज रहे हैं। अभी उस पर हम फोकस नहीं है हमारा, अभी फोकस है लोगों को जान बचाने का, और उसमें जो भी इश्यूज आएंगे उसको सेफ्टी मेजर्स लेंगे, ठीक करेंगे। कार्रवाई होगी सर? देखिए, सिंपल है, अगर जब हम देश का निर्माण करेंगे, इतने बड़े स्केल पे हमारा निर्माण चल रहा है, ये सब कुछ इश्यूज आएंगे, अब उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज जो ह्यूम पाइप यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, जो बोरिंग मशीन यहाँ पर बोरिंग कर रही है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती यदि पहले से ही सेफ्टी डक्ट सुरक्षा मानक इस टनल पर अपनाए गए होते। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, News 18 उत्तरकाशी। और बात करेंगे अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज सबसे बड़ी जंग है, और ये सबसे बड़ी जंग इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में ये न्यूजीलैंड ही थी जिसने टीम इंडिया को बाहर किया था, और आज एक बार फिर से वही मोमेंट खड़ा हो रहा है। आज न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, और 140 करोड़ लोगों की निगाहें न सिर्फ मैच पर होंगी बल्कि भारत की जीत के लिए दुआ में हाथ उठे होंगे। और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जीतेगा तो इंडिया में, दिखाते हैं। सेमीफाइनल्स की जंग की बारी, न्यूजीलैंड को पड़ेगी भारी, गेंदबाजों की तिकड़ी का होगा कहर, रोहित विराट मचाएंगे गदर, मेहरबान कदरदान दीजिए ध्यान, शुरू हो चुका है सेमीफाइनल का घमासान। एक तरफ है मैन इन ब्लू तो दूसरी तरफ कीवी मेहमान, और तैयार है मैदान, फिर गूंजेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आसमान में तिरंगा लहराएगा, वर्ल्ड कप भारत में है और भारत में रह जाएगा, भारत के सिर पर वर्ल्ड कप का ताज होगा, गेंद और बल्ले के इस खेल पर हमारा ही राज होगा, कमाल होगा धमाल होगा, जीतेंगे और जश्न भी मनाएंगे, 19 नवंबर को चमचमाती ट्रॉफी भी उठाएंगे, 12 साल बाद हम फिर से दम दिखाएंगे, और दिखाएं भी क्यों ना, जब भारतीय टीम अब तक अजेय है तो हकदार भी तो हम ही हैं, खिलाड़ी रंग में हैं, बस इंतजार सेमीफाइनल मैच का है, वो कौन से आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जीतेगा हिंदुस्तान। रंग में भारतीय सलामी जोड़ी, गरज रहा है किंग कोहली का बल्ला, बुमराह शमी की सनसनी, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके दम पर भारत अजय रथ पर सवार है, इन खिलाड़ियों ने वो दम दिखाया जो किसी भी टीम के खिलाड़ियों ने अब तक नहीं दिखाया। भारत की तरफ से कप्तान हिटमैन से लेकर KL राहुल और किंग कोहली के बल्ले से रनों की आग निकली है। विराट इस वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर हैं, कोहली के बल्ले से 9 मैचेस में 594 रन निकले हैं, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 9 मैचेस में 421 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने 9 मैचेस में 503 रन बनाए, ये आंकड़े कह रहे हैं कि अब भारत को रोक पाना मुमकिन नहीं। KL राहुल, शुभमन गिल वक्त वक्त पर ऐसी पारी खेल रहे हैं जिससे भारतीय टीम जीत का परचम लहरा रही है, तेज गेंदबाजी की तिकड़ी कहर बनकर बरस रही है, रफ्तार के सौदागर शमी ने सामने वाली टीम की नाक में दम किया हुआ है, महज 5 मैचेस में शमी ने 16 विकेट्स अपने नाम कर लिए, तो वहीं यॉर्कर के मास्टर बुमराह 17 विकेट्स लेकर भारत के टॉप विकेट टेकर हैं, सिराज के सनसनी से विपक्षी बल्लेबाज खौफ में हैं, सिराज ने 9 मैचेस में 12 विकेट झटके हैं, तो वहीं जडेजा और कुलदीप की जोड़ी स्पिन में कमाल दिखा रही है, कुलदीप यादव ने 9 मैचेस में 14 विकेट्स टीम के लिए निकाले हैं, तो वहीं जडेजा 16 विकेट्स के साथ खतरनाक साबित हुए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो वक्त वक्त पर जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं, और अब बारी सेमीफाइनल की है, इस टीम को देखकर हर कोई खौफ में है,
और इसी की बदौलत भारत के 140 करोड़ दर्शक कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज का मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।